गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. ओके बेटा, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर टू, मोर अबाउट नंबर्स. ओके, अब हम कुछ नंबर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. सबसे पहले है आपका फर्स्ट पार्ट, भी किससे रिलेटेड है, प्रीडेसर एंड सक्सेसर के बारे में. ठीक है, प्रीडेसर एंड सक्सेसर का मतलब मैं आपको बताती हूँ. देखो बच्चे, प्रीडेसर सेम एज इट इज़ बिफोर की तरह होता है, कि बिफोर आप एक स्टेप जस्ट बिफोर जाओगे. एंड सक्सेसर का मतलब होता है आप जस्ट आफ्टर, उसके आगे आप एक स्टेप आगे जाओगे. ठीक है, जस्ट आफ्टर. एंड इसका प्रीडेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर, सेम एज इट इज, जैसे आप आफ्टर एंड बिफोर की हुई है ना पिछली एक्सरसाइज में, वैसे हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपके माइंड में भूल जाता है प्रीडेसर एंड सक्सेसर का मतलब, तो देखो प्रीडेसर मीन्स पीछे, आप पीछे को जाओगे. क्लियर, प्रीडेसर मीन्स पीछे, आप पीछे को जाओगे. सक्सेसर, जब आपको सक्सेस मिलती है तो आप आगे को जाते हो ना, तो इसका मतलब आप आगे को जाओगे. ये मीन्स, ट्रिकी मीन्स है प्रीडेसर एंड सक्सेसर का, ताकि आपके माइंड में हमेशा रहे कि प्रीडेसर मीन्स पीछे एंड सक्सेसर मीन्स आगे. ओके, अब आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है पेज नंबर 18 पे. ये आपने आज से अपनी नोटबुक पे स्टार्ट करना है. क्लियर, सबसे पहले आप डेट एंड डे डालोगे. लेसन टू, मोर अबाउट्स नंबर, एक्टिविटी 1, पेज नंबर 18. क्लियर, मैं आपको फोटो सेंड करूँगी कि आपने कैसे नोटबुक पे करना है, क्योंकि सामने सामने आप बिल्कुल नहीं करोगे, नीचे को जाना है, डाउनवर्ड जाओगे, सामने सामने बिल्कुल नहीं लिखोगे. ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्रीडेसर. प्रीडेसर मीन्स पीछे. जितने भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, आपने उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है. लाइक सबसे पहले आपको ए पार्ट है 6345, उन्होंने बोला है इसको प्रीडेसर में लिखो. प्रीडेसर मीन्स आपने ये जो टर्म है इसमें से 1 माइनस कर देना है. ठीक है, माइनस 1 5 के नीचे लिखोगे. ठीक है, पीछे से स्टार्ट करते हो ना लिखनी टर्म्स, तो 1 जो है वो 5 के नीचे ही आएगा हमेशा, मतलब कि लास्ट वाली टर्म के पीछे आएगा. 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 4, 4 एज इट इज, नेक्स्ट 3 भी एज इट इज और 6 भी एज इट इज, तो आपके पास टर्म क्या बन गई, 6344. अगेन इसमें क्या माइनस करना है, ओनली 1, और लास्ट वाली टर्म 5 माइनस 1 क्या हो गई, 4, बाकी सभी सेम एज इट इज रह जाएगी. नेक्स्ट बी पार्ट आपके पास है 3172, इसका भी प्रीडेसर में लिखना है, माइनस 1 किया, 2 में से 1 माइनस किए तो क्या हो गए, 1, ये 7, 1 एंड 3 क्या हो गए, एज इट इज. क्लियर, नेक्स्ट सी पार्ट 2532, इसमें क्या माइनस करना है, 1, इसका हमने प्रीडेसर लिखना है, 2 माइनस 1, 1, 3, 5, 2 एज इट इज. ओके, नेक्स्ट अब एक बोरो वाला देखो सर. डी पार्ट है आपके पास स्टेटमेंट गिवन है 5470, इसमें से माइनस क्या करना है, 1, 1 माइनस करना है. अब जीरो में से 1 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, 6 से बोरो लेंगे. अगर जब हम सॉरी 7 से बोरो लेंगे, जब हम 7 से बोरो ले लेते हैं तो इधर एक क्या हो जाता है, कम, इधर 7 की जगह पे क्या हो जाएगा, 6, और 0 की जगह पे क्या बन जाएगा, 10. अब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो गया, 9, तो इधर जो बोरो करके हमारे पास टर्म बच जाती है 6, वो यहाँ पे हम लिखते हैं 6. नेक्स्ट 4 एज इट इज एंड 5 भी एज इट इज आएगा. क्लियर, नेक्स्ट ई पार्ट 4000, इसमें से माइनस क्या करना है हमने, 1. अब इधर 0004 है. क्लियर, कई बच्चे क्या करते हैं, बस यहाँ पे ये 0 और 4 को ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ से बोरो लेके काम खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चे. जब यहाँ पे सभी टर्म 0 आ रही है, जब तक नेक्स्ट वाली टर्म में कोई डिजिट नहीं आ जाता, उससे हम बोरो नहीं ले लेते, तब तक हमने वो जो 0 के ऊपर काट के 99 लिखते जाना होता है. क्लियर, अब जैसे ये 0 है ना, ये बोरो ले रहा है इधर से, इसने इससे लेना है, इसने इससे और नेक्स्ट इसने इससे. ठीक है, कम कहाँ तक होगा, जब तक यहाँ पे कोई डिजिट नहीं आ जाता है. अब यहाँ पे 0 की जगह पे क्या हो गया, 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, और 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 3, 4 रिप्लेस हो जाएगा 3 से, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वाले आगे सभी टर्म्स क्या थी, 0. 10 में से माइनस 1 हुए 9, नेक्स्ट 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3. ये 0 ने यहाँ तक बोरो लेने हैं. क्लियर, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3. तो हमारे पास गिवन हो गई 3999.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, राइट दी सक्सेसर ऑफ। अब आपने इसको क्या लिखना है, सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स आगे जाना है आपने, इसमें वन क्या करना है, प्लस। क्लियर। अब आपको स्टेटमेंट गिवन है 7999, इसमें इसका आपने सक्सेसर फाइंड आउट करना है, मीन्स प्लस क्या करना है आपने, वन। ओके, 9 प्लस 1 कितने हो गए, 10, 0 इधर, 1 क्या हो गया, कैरी। 9 प्लस 1, 10, 0 इधर, 1 क्या हो गया, कैरी। 9 प्लस 1, 10, 0 इधर, 1 कैरी। 7 प्लस 1 कितने हो गए, 8, तो आपके पास सक्सेसर इसका क्या आया, 8000। क्लियर। नेक्स्ट है 3100, इसमें क्या करना है, इसका सक्सेसर फाइंड आउट करना, मीन्स प्लस वन। 0 प्लस 1, 1, 0 एज इट इज, नेक्स्ट 1 भी एज इट इज, एंड नेक्स्ट 3 भी एज इट इज। तो आपके पास टर्म क्या गिवन हुई सक्सेसर में, 3101। नेक्स्ट सी पार्ट लिखिए, यह है 2450, इसमें हमने क्या करना है, प्लस 1। 0 प्लस 1 कितने हुए, 1, नेक्स्ट बाकी सभी टर्म क्या आ जाएगी, एज इट इज, 542। क्लियर। नेक्स्ट डी पार्ट, इसका भी हमने सक्सेसर फाइंड आउट करना है, प्लस 1। 9 प्लस 1 कितने हुए, 10, 0 इधर, 1 कैरी। 4 प्लस 1 कितने हुए, 5, नेक्स्ट बाकी सभी टर्म जो दोनों बची है वो एज इट इज आ जाएगी। ये इसका क्या हुआ, सक्सेसर। ओके, आपको सिर्फ ऊपर वाली टर्म गिवन होगी और साथ में बोल देंगे कि इसका सक्सेसर निकालो, तो आपने प्लस 1 कर देना है, अगर प्रेडेसर बोले तो माइनस 1 कर देना है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो आप एक बार अपनी बुक पे भी प्रैक्टिस कर लेना। ये जस्ट बिफोर है और ये जस्ट आफ्टर है, ये बिफोर और आफ्टर दोनों गिवन है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, राइट द प्रेडेसर एंड सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर। आपने प्रेडेसर एंड सक्सेसर दोनों बताने हैं, लेकिन किसके, स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर के। जब हमने ये चैप्टर फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि 1-डिजिट में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है, 2-डिजिट में 10 होता है, और 3-डिजिट में क्या होता है, 100। यही बताया था ना, 1-डिजिट में 1, 2-डिजिट में 10, और 3-डिजिट में कितना हुआ, 100। ये होते हैं स्मॉलेस्ट, और नीचे वाले क्या होते हैं, लार्जेस्ट। अब उन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, तो ये क्या हुआ हमारे पास, 100। स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर इज 100। अब आपने 100 का ही प्रेडेसर बताना है और 100 का ही सक्सेसर बताना है, ऐसे आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है, लेकिन आपको ये रफ वर्क जो मैंने अभी बताया ये नहीं लिखना आपने। क्लियर। इसका आपने प्रेडेसर बताना है और साथ में आपने सक्सेसर बताना है। कैसे लिखेंगे अब हम, प्रेडेसर मीन्स माइनस करेंगे, 0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हमने इससे बोरो लेना, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, लेकिन अगर 1 का छोटी टर्म क्या आएगी, इससे 0 ही होगा ना, 1 ने तो सभी अगले वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने बोरो, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए कितने हो गए, 9, एंड नेक्स्ट इधर क्या हो जाएगा, 9, और इधर तो 0 है, अगर आप 0 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहीं पे छोड़ सकते हो, 0 नहीं भी लिखोगे तो ठीक है। क्लियर। 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया, 99। ओके, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये तो था आपने इसका प्रेडेसर लिखा। अब नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स प्लस 1, 100 में आपने 1 प्लस कर देना है, तो कैसे लिखोगे, 0 प्लस 1, 1, नेक्स्ट इज 0, एंड 1 इज सेम एज इट इज, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 99 प्रेडेसर हो गया, और सक्सेसर कितना हो गया, 101। क्लियर। ये था स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर का, स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रेडेसर एंड सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर। जैसे हमने 3-डिजिट किया था ना, ऐसे ही हमने 4-डिजिट नंबर करना है। क्लियर। अगेन मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूँ, स्मॉलेस्ट में सिंगल डिजिट में 1 स्मॉलेस्ट था, 9 बड़ा था, 10 2-डिजिट में छोटा था, 99 बड़ा था, 100 3-डिजिट में छोटा था, 999 इसमें बड़ा था, 1000 4-डिजिट में स्मॉलेस्ट होता है, 4 में क्या छोटा होता है, 1000। ओके, और यहाँ पे 9999 बड़ा होता है। ये सिंगल डिजिट में छोटे नंबर्स होते हैं और ये लार्जेस्ट होते हैं। ओके, अब इसका मतलब हमारे पास स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर कौन सा आएगा, 1000।
तो हमें लिखेंगे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट इज इक्वल टू 1000. इसका हमने प्रीडेसर भी लिखना है और सक्सेसर भी लिखना है. ओके अब क्या है, यहाँ पे जीरो से वन तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10. अब इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 और 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अब यहाँ पे है ही 1 था तो इससे छोटी टर्म क्या आ जाती है, 1 से कम होके क्या आएगा 0 ही आएगा ना. तो यहाँ पे 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 9, नेक्स्ट इज 9, नेक्स्ट इज ऑल्सो 9. सो आपके पास 1000 का प्रीडेसर क्या आएगा 999. 1000 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 999 ही आएगा ना. तो वैसे आपने ऐसे करना है, सीधा नहीं लिखना. ओके अब सक्सेसर प्लस 1 करेंगे, 0 प्लस 1 1, नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट 0 एंड नेक्स्ट इज 1. ये हो गया इसका प्रेडेसर और ये हो गया इसका सक्सेसर. ये हो गया 4 डिजिट का. और ये मस्ट नहीं है कि हर बार यही आएंगे 3 और 4, आपको 5 भी आ सकते हैं एंड 6 भी आ सकते हैं. बस आपको सक्सेसर और प्रेडेसर निकालना आना चाहिए. ओके बेटा आपकी फिनिश हो गई है एक्टिविटी 1. ये सभी आपने अपनी नोटबुक पे नीट एंड क्लीन करना है. मैं आपको पिक्चर क्लिक करके भेजूंगी, आपने वही करनी है. ओके ओके बेटा थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.